जी हाँ, वक्त आया कुछ जानने का, कुछ समझने का, कुछ सुनने का। और अब है हमारा स्टार क्विजर, और हमारे साथ हमारे पार्टिसिपेंट यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे जजेस यहाँ पे मौजूद हैं। ऑब्वियसली कल की रात मुदस्सर इकबाल के लिए ज़रा मुश्किल रही होगी, बड़ी देर लाइव रहे और हम भी जागते रहे। कैसा रहा मुदस्सर कल? कल खासा एक बड़ा दिन था, न्यूज़ के हवाले से भी, पाकिस्तान के हवाले से, लोगों के हवाले से। तो मेरा ख्याल है ये दिन यादगार होता है, ऐसा तारीखी होता है। बहुत सारे लोगों के लिए अच्छा दिन था, बहुत से लोगों के लिए बहरहाल का दुखी दिन था। तो जिंदगी दुख और दुख करने वाली बात नहीं है। मैं बहुत से लोगों को ये समझा भी रहा हूँ, कुछ लोग ज़रा ज़्यादा गुस्से में आए हुए हैं, तो मैं कह रहा हूँ गुस्सा करने वाली बात नहीं है, पार्ट ऑफ अ गेम, कुछ नहीं होता यार। क्या हो गया तो बाकी अल्लाह बेहतर करे पाकिस्तान के लिए। मैं अभी परसों भी यही बात कर रहा था कि मसलक हैं, हम सारे अलग अलग मसलक को फॉलो करते हैं, लेकिन रास्ता तो एक ही है। बिल्कुल, थोड़ी बहुत लड़ाई है, थोड़ा बहुत झगड़ा है, थोड़ी बहुत ऑपोजिशन है, थोड़ी सी आपकी बातें अलग अलग होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इत्तफाक एक बात पे होता है कि पाकिस्तान का तो भला चाहते हैं। अल्लाह करे कि बस पाकिस्तान की आवाम का भला होना चाहिए, दिस इज ऑल वी वॉन्ट, और इसमें लड़ाई झगड़े वाली कोई बात नहीं है। आगा साहब, मैं भी यही कहूँगा कि मसालिक जिस तरह आपने कहा जुदा जुदा है, यहाँ लिसानी एतबार से ज़बानें जुदा जुदा हैं, इतना मल्टी कलर मुल्क है ये। हाँ। उसके बावजूद यहाँ पर ये हुस्न मौजूद है कि पाकिस्तानियत पे तो फिर इकट्ठे हो जाते हैं। किसी भी शख्स से ये पूछे कि क्या आवाम के फ़ायदे के लिए कुछ होना चाहिए, वो कहेगा बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल। तो बहरहाल ये जितना प्रोसेस है जिसका आपने अभी जिक्र किया, वो ऐसा ही है कि जैसे एक पूरा सिलसिला है जिसके बाद एक नई तस्वीर सामने आएगी। और यकीनी तौर पर वो लोग जो समझ मुझे आवाज़ जी, मैं सही बताऊँ आपको, मुझे एक चीज़ इसमें एक चीज़ पॉजिटिव लग रही है, ये जो अदम एतमाद हुआ है इसमें, जो एक बड़ी खूबसूरत चीज़ मुझे लग रही है कि बहुत सारी पार्टीज़ हैं जो एक साथ हो गई हैं। हाँ। शायद आपस में ही मिलजुल के कहीं कुछ खामी अगर किसी की होगी, हाँ, तो उसे दुरुस्त कर, तो ये उसे अब खुद ही दुरुस्त करेंगे। लेकिन इसमें और एक बहुत खूबसूरत बात है जिसकी तायीद मैं यकीनन चाहूंगा मुदस्सर से, वो ये है कि डेमोक्रेसी की जो है वो मजबूती नजर आ रही है, जमहूरियत मजबूत नजर आ रही है, आईन की बालादस्ती नजर आ रही है किसी तौर पर। एक बेंचमार्क बन गया ना, बेंचमार्क बन गया कि भाई अगर इस तरह से हो तो इस तरह से अदालत में फैसला हो सकता है, और आने वाले वक्त में भी यही हो सकते हैं। ठीक है, अगर कहीं इस तरह से कुछ होता है तो आने वाले वक्त में भी यही होगा, चाहे वो इस तरफ हो या उस तरफ हो। एनीवे, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। हमारे कंटेस्टेंट यहाँ पे मौजूद हैं, हमारी टीम बे में मौजूद हैं इस वक्त, अबू बकर ब्राइट विजन इंग्लिश स्कूल से, हमारे साथ फिजा रफीक है बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी से, हमारे साथ मोहम्मद आमिर हैं दिल्ली कॉलेज से। आपको खुश आमदेद कहते हैं, और हमारा जो सिलसिला है बजर राउंड का है, सवाल अच्छी तरह से सुन लीजिएगा। अगर आप ऑप्शन मांगेंगे तो मैं ऑप्शन दूंगा आपको, पर बजर राउंड बजाने के बाद आप ही को जवाब देना है। जो भी बजर दबाएगा सही जवाब पे प्लस 10 है, गलत जवाब पे माइनस 10 है। सवाल के बीच में बजर दबा दिया, आगे नहीं पूछूंगा। ठीक है, तैयार हैं आप लोग? चले जी, देख लें एक दफा बजा के। वेरी गुड, नजर रखिएगा मेरे दोस्तों, मेरे दोस्तों नजर रखिएगा जी। किस नबी को नमरूद ने भड़कती हुई आग में फेंकवाया था? जी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, बिल्कुल सही जवाब। अपनी जिसामत के लिहाज से कायनात के सबसे ज्यादा वजन उठाने वाली मखलूक कौन सी है? अपनी जिसामत के लिहाज से कायनात के सबसे ज्यादा वजन उठाने वाली मखलूक कौन सी है? चींटी। बिल्कुल सही जवाब, चींटी। सूरह मोहम्मद का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शंस हैं सूरतुल खाल, सूरह फातिहा, सूरह अल माईदा, सूरह कताल। जी सूरह अल माईदा। गलत जवाब। हाँ सही जवाब है सूरह कताल। हामान कौन था? जी एक काफिर था। ऑप्शन देता हूं, इब्राहिम का वजीर, नमरूद का वजीर, नजासी का वजीर या फिरौन का वजीर? फिरौन का वजीर। बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, किस दरख्त की जड़ें सबसे ज्यादा गहरी होती हैं? आम की, जंगली अंजीर की, या फिर केले की? जंगली अंजीर की। जीएसटी किन अल्फाज का मुखफ्फ है?
जी जनरल सेल्स टैक्स, बिल्कुल सही जवाब। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद किस सूरह में आता है? सूरह फलक, सूरह सिफ, सूरह अल-खाल, सूरह मोहम्मद? सूरह मोहम्मद। गलत जवाब, सूरह अल-सफ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद अहले बैत में सबसे पहले किसने वफात पाई? बहुत आसान सवाल, इस पे तो एक हदीस भी मौजूद है। जी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद अहले बैत में सबसे पहले किसने वफात पाई? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला ने। और उस पे हदीस भी है कि हुजूर पाक ने जब उनके कान में बताया था तो आप रोना शुरू हो गई थी, उसके बाद जब दोबारा बात कान में बताई तो वो हंसना शुरू हो गई थी कि सबसे पहले वो एक बड़ी, अगर कोई गलती हुई हो तो आई एम सॉरी, लेकिन ये एक बड़ी मशहूर हदीस भी है इस पे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमीन का लकब किस सूरह में पुकारा गया? ऑप्शन देता हूँ, सूरह निसा, सूरह खाल, सूरह आल इमरान, सूरह मोहम्मद? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमीन का लकब किस सूरत में पुकारा गया? दो ऑप्शन कर देता हूँ, सूरह मोहम्मद या सूरह अदखाल? कोई जवाब नहीं, सूरह अदखाल। कुरान मजीद में सबसे ज्यादा किस पैगंबर का नाम आया? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। बिल्कुल सही जवाब, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। हजरत उज़ैर का जिक्र कुरान में सिर्फ एक मर्तबा है, सूरत का नाम बताएं? सूरह लुकमान, सूरह इब्राहिम, सूरतुल तौबा? सूरह तौबा। बिल्कुल सही जवाब। कलीमुल्लाह और खलीलुल्लाह किन दो अंबिया कराम के लकब हैं? कलीमुल्लाह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, खलीलुल्लाह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। बिल्कुल सही, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। मुसलमानों की सबसे पहली मस्जिद कौन सी थी? मस्जिद-ए-कुबा। मस्जिद-ए-कुबा। बिल्कुल सही जवाब। किस नबी ने जिस्मानी और माली मसाइब पर सब्र की बेहतरीन तलकीन दी है? लाम, हजरत यूसुफ। गलत जवाब, हजरत अय्यूब। बिल्कुल सही जवाब। जी नताइज भी साथ देख लें, पहले राउंड जी नताइज दिखा दीजिएगा। आपकी वेस्टकोट बहुत अच्छी लग रही है। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। उस पर लिखा हुआ FQ अच्छा लग रहा है या वेस्टकोट अच्छी लग रही है? जी दिखाइएगा। हाँ बेस, स्कोर अपडेट हो रहा है भाई, स्कोर अपडेट हो रहा है, लेकिन मुकाबला मेरे ख्याल से आगे पीछे का है। मुझे लगता है कि करीब करीब 19-20 हैं, कोई 10 पॉइंट का डिफरेंस होगा, कोई बहुत ज्यादा लीड पे नहीं गया है। सो टीम बे 40 पे है, टीम वाव 10 पे, टीम लाम भी 10 पे है। अच्छा, गलत सवालों ने आगे पीछे कर दिए। हाय हाय, माइनस भी हुए हैं, असल मामला ही माइनस का हो गया ना। और जो हमारे रनर्स अप हैं उनके साथ हिबा लाइफ का गिफ्ट हैम्पर जाएगा, मैंने कहा पहले बता दूं। तो मुसलसल ही माइनस का इशू चल रहा है कि माइनस हो जाए। जी तो चलें अब प्लस का आगाज कर लेते हैं माइनस के बाद। टीम बे तैयार हैं आप? कुरान करीम की कितनी सूरतों का आगाज अलहम्द से होता है? पांच। दुरुस्त। हजरत सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा का किसने शहीद किया था? हजरत सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा को किसने शहीद किया था? अबू जहल। दुरुस्त। रोजा को अरबी में क्या कहते हैं? रमजान। रोजा को अरबी में क्या कहते हैं? अस-सौम। अस-सौम। कुरान मजीद की आखिरी वही के कातिब कौन थे? पास। हजरत अबी बिन काब। HEC किसका मुखफ्फफ है? पास। हायर एजुकेशन कमीशन। किस एयर बेस का नाम PAF बेस रफीकी रखा गया? पास। शोरकोट एयरबेस। MA किन अल्फाज का मुखफ्फफ है? मास्टर ऑफ आर्ट्स। दुरुस्त। आसमान पर 7 सितारों का मजमुआ क्या कहलाता है? निजामे शम्स। दुब्बे अकबर। दादा की वफात के बाद आप सल्लम की परवरिश का जिम्मा किसने उठाया? आप सल्लम के चचा ने, अबू तालिब। दुरुस्त। निशान हैदर हासिल करने वाले उस वाहिद, चले ये तो सवाल का आगाज ही नहीं हुआ। कितने? अच्छा आगे 3 सही हुए, 3 सही। और स्पीड थोड़ी आपकी स्लो रखी आपने जवाब सोचने में। भाई आने दो, दाल देना यार का हो। चलें अब लकी लिए हैं कि आपके पास सवाल भी एक आ गया। चलें जी टीम बाओ तैयार हैं आप? GST किन अल्फाज का मुखफ्फफ है?
جنرل سیلز ٹیکس. زبور اور انجیل کس زبان میں نازل ہوئی؟ عبرانی زبان. غلط. کس کھلاڑی نے ون ڈے کرکٹ میں تیز ترین 1000 رنز مکمل کیے؟ غلط. فخر زمان. کے ایم سی کن الفاظ کا مخفف ہے؟ کراچی میٹروپولیٹن. محنت کشوں کا عالمی دن کب منایا جاتا ہے؟ مزدوروں کا عالمی دن کب منایا جاتا ہے؟ 3 مارچ. یکم مئی. سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی نجات کس چیز کو قرار دیا؟ پاس. تعلیم. شیخ الاسلام کس صحابی رسول کو کہا جاتا ہے؟ آپشنز. آپشن دے دیتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق, حضرت علی, حضرت ابو ذر غفاری. حضرت ابو ذر غفاری. درست. بی اے کن الفاظ کا مخفف ہے؟ پاس. بیچلر آف آرٹس. 1965 کی بعد بھارت جنگ کے چلیں آواز اور آغاز دونوں نہیں ہوئے, تو میرا خیال ہے ریپڈ فائر میں آپ کو اگر نہیں آتا تو پاس کر کے وہ نکلیں. آپشن میں جائیں گے تو ہم تو آپشن دے دیں گے, آپ کے جو ٹائم ہے وہ ضائع ہوگا. بیچلر آف آرٹس ہے, ہو سکتا ہے انہوں نے بیچلر آف آرٹس نہ کیا ہو اس لیے نہیں. بی ایس سی کیا آپ نے؟ بی بی اے کیا. بی بی اے کا کیا مخفف ہے ویسے؟ بیچلر آف بزنس ایڈمنسٹریشن. دیکھا یہ آ گیا, بس بی بی اے, صرف بی اے کرنا تھا, بیچلر آف آرٹس بزنس ہٹا دیتے تو پورا تھا آپ کا جواب. چلیں جی ٹیم لام تیار ہیں آپ؟ جی. قرآن کریم کی کس سورہ میں گھوڑوں کی قسم کھائی گئی ہے؟ پاس. سورہ عادیات. قرآن کریم کے کس پارے میں سب سے زیادہ سورتیں ہیں؟ پاس. 30ویں پارے میں, آخری پارا. بیت العتیق کس کو کہا جاتا ہے؟ پاس. بیت اللہ شریف کو. ستمبر 1965 کی باغ بار جنگ میں کتنے پاکستانی ٹینک تباہ ہوئے تھے؟ 5. 165. کے جی کن الفاظ کا مخفف ہے؟ پاس. اتنے کے جی, کلو گرام. مسلمانوں کے پہلے امیر الحج کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قرآن پاک کی کون سی سورہ میں وضو کا ذکر آتا ہے؟ سورہ توبہ. سورہ مائدہ. جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ 7. درست. ستمبر 1965 کی پاک بھارت جنگ کے دوران پاکستان نے بھارت کے کتنے ہوائی جہاز تباہ کیے؟ 60. 110. کے ڈی اے کن الفاظ کا مخفف ہے؟ کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی. ایک میٹر میں کتنے سینٹی میٹر ہوتے ہیں؟ 100. درست. دنیا کا بلند ترین ڈیم کون سا ہے؟ ٹائم اپ. روگن تاجکستان. جی اب نتائج میرا خیال ہے شاید کچھ اوپر نیچے. اوپر نیچے نہیں ہوئے. اچھا ہاں, کیونکہ آپ نے حساب لگا لیا. جی میں نے حساب لگایا. کیا بات ہے. مغل سے 30 پر ہیں لام. جی کتنے؟ 20 پر ہیں جی لام. 20 پر ہے واؤ اور 80 پر ہیں بے. تو اس کا مطلب ہے ہمارے جو آج کے ونر ہیں وہ آپ قرار پائے ہیں. کانگریچولیشن, آپ کو بہت بہت مبارک. آپ کے ساتھ ہبا لائف کے گفٹ ہیمپر جائیں گے. تھینک یو سو مچ. پلیز ہیو اے سیٹ. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.